ऑलराइट गाइस, दिस इज हॉट डॉग के प्राइम किंग। स्वागत है आप सभी को हमारे चैनल में। तो तुम लोग रियल लाइफ डफर देखे हो कभी? देखे हो क्या? क्या तुमने गेम खेलते वक्त अपने आप को सोचा कि मैं गेम के अंदर हूँ, पर डफरनेस की वजह से तुम लोग रास्ते में जाकर ऐसा ही काम फैलाते रहे हो? नहीं किए हो ना, पर इस दुनिया में ऐसे डफर और चूतिया है इस दुनिया में। कैरी ने कहा था कि दुनिया एमसी है, एमसी रहेगा, ठीक है। तो इस रियल लाइफ डफरनेस की एक बहुत ही बड़ी एग्जाम्पल ये है जो वीडियो तुम लोग देख रहे हो। ये डफर है, पक्का डफर है। इसने क्या किया? इस बंदे का नाम मुझे नहीं पता। इसने क्या किया? अपना खुद का कार निकाला, उसके बाद इस कार को पूरा दुनिया दौड़ाया। मतलब एक के बाद एक कार हाईजैक करने लगा, जो GTA 5 में कस्टम कस्टम नहीं, फ्री वाला जो जैकेट, योलो लूसेंट योलो वाला जैकेट मिलता है ना, उसे यूज़ किया, मतलब उसे पहना था, और पुलिस ने उसे चेज़ किया। और ये डफर ने एक के बाद एक गाड़ी चोरी की, फुल स्पीड से चलाया। बंदा एक्सीडेंट क्यों नहीं किया मुझे नहीं पता। एक के बाद एक गाड़ी चोरी किया, पूरा दुनिया घूम लिया सालों ने। एक औरत है, कुछ देर बाद ही देखने को मिलेगा, मैं ये रिकॉर्ड अलग से कर रहा हूँ वीडियो ना देखते हुए, जिसके कार चोरी किया, मतलब इसने हाईजैक किया, और उस औरत ने अपनी गाड़ी को बचाने की बहुत ज़्यादा कोशिश की। तो तुम लोग देखो यार, वीडियो देखो, पागल हो जाओगे। ये देखो कैसे कर रहा है, ये पूरा पागल है यार, पागल है, पूरा पूरा का पूरा पागल है साला। ऐसे चूतिया कभी ना मिले हमें। देखो यार वीडियो पूरा देख लो, उसके बाद वीडियो मैं बंद कर दूंगा यहीं पर। कमेंट्री खत्म, मेरे को कमेंट्री नहीं देनी इस वीडियो की। झाट के बाल कहीं, चलो देख लो। और इंडियन गेमिंग कम्युनिटी का आगे बढ़ाते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, लव यू ऑल। वीडियो देखो और एक लाइक मार देना, ठीक है। Way through traffic. He's rammed about two or three cars at this point. Okay, this is Lincoln. Okay, so now so he's Lincoln is the cross street. There's right, the police. Right. There's the okay. T-mode. So this thing hopefully will end right now. He's getting out he's of the car. He's getting out, and what's he going to do now? Well, police. Going to try to pull someone else out. It's too late. It's too late. All right, so he's got that yellow coat on. Clearly, this appears to be the same person we saw in the surveillance video from that gas station. Now on foot, as police were just behind him, most likely jumped out and probably right behind him, chasing at this point. Ken, this is Lincoln. You know the intersection that we're at? Lincoln and Peoria. So across the street from the wildlife museum down through the there. The wildlife experience. There's a Starbucks and like a Lamar's Donuts or a donut shop in there. I don't think it's a Lamar's anymore. But just east of I-25. Well, he good. Slipped on the ice just then. That's slowed him down. Now he's down to just his tank top, and he's trying as hard as he can to get away, but it won't be long now before police catch up. You guys are watching this live as we watch it. This suspect here, this person here, trying to get away from police. We just saw a police officer to the right of your screen there, and he has gone down. He's down on the ground. Given up at this point. Hands behind his back. Good job. They'll be reading in his rights right about now and picking him up after an absolutely crazy couple of hours that we